तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक्स टीम्स। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो एक तरह गुड आफ्टरनून ही हो गया है। तो मैं बात करूँ एक फैन कोड यूरोपियन टी10 मिलन लीग का मैच होने वाला है बीसीसी वर्सेस एफटी के बीच। इट्स अ जैकपॉट मैच गाइस, और इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबीरॉक्स ड्रीम11 टीम्स। यही मेरा इकलौता। अगर आपको मेरे नाम के कई और चैनल दिख रहा है, अगर आप कभी सर्च करते हैं, तो उसमें मत जुड़ना, क्योंकि यही मेरा इकलौता चैनल है, बाकी सब स्कैम है गाइस। 4.4 के मेंबर्स वाले ग्रुप में आपने जुड़ना है, जो कि ओरिजिनल है, जो आप वीडियो में साफ स्पष्ट देख रहे हैं गाइस। ये है प्रीवियस मैचेस के स्क्रीनशॉट्स, तो आके देख सकते हो। वेरी लार्ज विनिंग हुई है नाइट मैच में, तो मज़ा ही आ गया। मतलब आंख बंद करके मैंने इन्वेस्टमेंट की थी अपनी टीम पे, और मज़ा ही आ गया, क्योंकि मेरे को अपने पे कॉन्फिडेंस है। क्योंकि गाइज, आप भी अपने पे कॉन्फिडेंस रखा करो, डेफिनेटली जीतोगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। बात करूँ अगर मैं इस मैच की, तो बीसीसी वर्सेस एफटी, तो इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइज, बोथ टीम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू बॉलिंग पिच, विकेट गिरने के काफ़ी ज़्यादा आसार हैं। तो मैं बात करूँगा विकेट कीपर की, यहाँ से लूँगा एम सिंह को गाइज। तो मनप्रीत सिंह इज द टॉप ऑर्डर बैट्समैन। पिछले मैच के अंदर इस प्लेयर ने 29 रन मारे, जिसमें कि 4 चौके 1 छक्का था, प्लस विकेट कीपिंग तो इस बंदे की देखने वाली थी। 2 इसने रन आउट स्टंपिंग की, और एक इसको कैच बोनस मिला, क्योंकि इसने 3 कैचेस पकड़ी थी, और प्लस इसने 3 कैचेस भी पकड़ी। मतलब बहुत ही बड़ी बात है एक विकेट कीपर के लिए, विकेट कीपिंग करके 40-50 पॉइंट अर्न करना। बात करूंगा गाइस बैट्समैन की, तो यहाँ से लूँगा बी सिंह को गाइस। बलजीत सिंह यहाँ से आपको टॉप ऑर्डर का बैट्समैन मिलता है, वैसे ये ऑलराउंडर है, पता नहीं इसको बैटिंग सेक्शन में क्यों डाल दिया है। ये 2 ओवर बॉलिंग करवाएगा, प्लस ये अपनी टीम से गाइस ओपनर भी आता है। और जेड नाकवी की बात करूँ, नाकवी ने पिछले मैच के अंदर 2 ओवर बॉलिंग की, जिसमें कि इसने 1 विकेट हासिल की, प्लस ये अपनी टीम से टॉप ऑर्डर की बैटिंग पर आया था, जिसमें कि इसने 21 रन बनाए, जिसमें कि 2 छक्के और 2 चौके भी लगाए गाइस। और आगे से बात करूँ एम जावेद की, जावेद वैसे देखो खास प्लेयर नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता दूँ, बट हमें ट्राई करना है गाइस, क्योंकि बैटिंग ऑप्शन में ज़्यादा चॉइसेस बची नहीं। आगे से बात करूँ गाइस, मैं ऑलराउंडर की सी कुमार को लेने वाला हूँ। सी कुमार यहाँ से आपको बहुत ज़बरदस्त बंदा दिखने वाला है, एक्चुअली इट्स अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ये अपनी टीम से 1 डाउन आएगा, प्लस ये बंदा 2 ओवर बॉलिंग भी करवाएगा, तो कैप्टनशिप के लिए जीएल के लिए बहुत ही खूबसूरत पिक है गाइस। आगे से बात करूँ एम इमरान की, इमरान ने पिछले मैच के अंदर 1 विकेट और 97 रन लगा दिए, 97, मतलब सोच के भी ऐसा लग रहा है कि क्या कर गया ये प्लेयर। और आगे से बात करूँ ये शरीफ की, ये शरीफ भी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, प्लस ये 2 ओवर बॉलिंग करवाएगा, ये भी इमरान के साथ ओपनर आ सकता है आज के मैच में। और दोनों ही नॉट आउट गए थे पिछले मैच के अंदर, रैम सिंह की नॉट आउट इन द सेंस 8-9 ओवर खेले थे। मनदीप सिंह की बात करूं, मैं सिर्फ इसको बॉलिंग के तौर पे ले रहा हूं गाइस, क्योंकि कई बार क्या होता है जो हम सोचते हैं उससे उल्टा, मतलब हम सोच रहे हैं कि इमरान अच्छा खेले, शारिफ अच्छा खेले, लेकिन पता चले कि दोनों ही जल्दी उठ गए, इसलिए ये बॉलिंग ही काम आने वाली है गाइस। आगे से बात करूं बॉलर्स की, तो यहां से लूंगा बी मोहम्मद को, बिलाल हामिद यहां पे आपको टॉप का बॉलर मिलता है, एक्चुअली ये 2 ओवर बॉलिंग करवाएगा, और ये प्रॉपर बॉलर है, मतलब इसकी बैटिंग पर उम्मीद मत रखना। और एन गिद्दा की बात करूँ, गिद्दा ने हर मैच के अंदर 1 ना 1 विकेट जरूर खींची है। जेड चीमा की बात करूँ, तो चीमा भी फॉर्म में नहीं है, मतलब पिछले मैच में, तो आप इसकी जगह चाहो तो जे सिंह को ट्राई कर सकते हो, जिसका नाम है जसप्रीत सिंह, बट एक साइड के इतने सारे बॉलर्स लेना मुझे थोड़ा बेवकूफ़ी सी लग रही गाइस, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद जेड चीमा। तो मैं बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन रहेगा मेरा इमरान एंड वाइस कैप्टन बी सिंह। तो ये मेरी टीम गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।